तो इधर मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। सिविल हॉस्पिटल में जहाँ से मम्मी को डिस्चार्ज लिया था वहाँ पर बाकी तो दवाइयाँ मिल गई थी, चार मेडिसिन्स थी मम्मी की, जो रह गई थी वो नहीं मिली थी। तो यहाँ पे सेक्टर 1-4 का हॉस्पिटल है, यहाँ पर फ्री में मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं। तो मैंने पर्ची दिखा दी थी, उन्हीं की कुछ ब्रांच हैं सर, मतलब ये मुफ्त हॉस्पिटल होते हैं। तो यहाँ से मैंने मम्मी की सारी दवाइयाँ ले ली थी जो बची हुई थी, और लेके अब मैं घर की तरफ जाऊँगी। तो मैं जब भी कोई इलाज वगैरह करवाना होता है मम्मी का, मेरा, विहान का, वैसे नॉर्मल जैसे खांसी जुकाम हो गया या कोई छोटा मोटा इंजेक्शंस लगवाना होता है, तो वो सारा मैं यहाँ सरकारी में ही लगवाती हूँ। क्योंकि देखिए, हर बार प्राइवेट का खर्चा नहीं दे सकते हो, यहाँ 5 रुपये पर्ची के लगते हैं बस। उसके बाद बाकी टेस्ट भी मुफ्त में होते हैं, दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती हैं। तो दवाइयाँ मम्मी को दे दी थी, और यहाँ पे देखो कार खड़ी है ना कार, आप देख रहे हो, मम्मी अपनी गाजर काट रहे हैं। आगे की बात फेस टू फेस करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो अभी आपने देखा, विहान को स्कूल छोड़ आई हूँ मैं, जाके मम्मी की दवाइयाँ भी ले आई हूँ, जो बची हुई दवाइयाँ थी सारी दवाइयाँ आ गई हैं मम्मी की। और अभी भाई आया हुआ है यहाँ पर हिसार में, वो पापा जी को तो लेकर जाएगा ही जाएगा। बाकी जो बात थी मम्मी की वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बात हुई क्या, सुबह से ही बात चल रही थी इसी बारे में। पहले बात हुई पापा जी मेरी, मम्मी की, हमारी आपस में बात हो रही थी। मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट पे पहुंचना था, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना था कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं पिछले 2-2.5 महीने से, उस चीज का आखिर मतलब क्या निकले, नतीजा क्या निकले, कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सुबह जब पापा जी से बात हुई थी, तो मैंने पापा जी को यही बताया था कि पापा जी अभी हमने ये फैसला लिया है कि मम्मी और पापा जी आप दोनों गुड़गांव में रहोगे। तो पापा जी इस बात पे मना कर गए थे, बोलते नहीं तेरी माँ यही रहेगी और मैं वहां गुड़गांव में रहूंगा। पापा जी ने साफ यही कहा, बोलते अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है पापा जी ने कहा, तो ऊपर वाला घर मेरे नाम पे है, मैं वो घर दे दूंगा, तेरी मम्मी ऊपर वाले घर में रह लेगी अगर तेरे साथ नहीं रहना तो। ये बात बोली मैंने, कहा नहीं, प्रॉब्लम वही है कि अकेले थोड़ी उनको छोड़ सकते हैं ऐसे अकेले ऊपर। तो बोलते नहीं यही रहेगी, गुड़गांव नहीं जाएंगी, साफ मना कर गए पापा जी। तो अब देखो, अब एक बार बताओ, जब मेरे फादर ने मना कर दिया साफ, बोलते कि नहीं जाएगी मम्मी गुड़गांव, वहां पे मैं, मतलब पापा जी बोलते मैं चला जाऊंगा गुड़गांव में, वहां मैं रह लूंगा, मम्मी तेरे साथ रहेंगे, उन्होंने जब मना कर दिया। जो बात हुई है मैं आपको घर में फैमिली में जो बात हुई वही बता रही हूँ मैं, ठीक है? इतनी बात हुई। उसके बाद अभी विहान के मामा आए, और उस टाइम पापा जी अभी कुछ एफिडेविट का काम करवाने चले गए बाहर, तो वो अभी यहाँ पे थे नहीं। तो फिर मैंने बात करी, मैंने इस बारे में, तो उसने बोला मम्मी को कि चलो बैग आपका कहाँ है, चलो गुड़गांव, वो लेके जाने को तैयार है गुड़गांव। लेकिन फिर मम्मी मना कर रहे थे, आपको तो पता है मम्मी तो मना करेंगे ही, वो तो बोलेंगे कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। तो वही बात हो रही थी अभी। तो फिर हुआ क्या कि अब ना एक तरीके से ना थोड़ा सा समझा दिया मम्मी को, मतलब विहान के मामा ने, कि अब थोड़ा सा शिकायत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर हिसार में रहना है तो आओ ठीक है, अगर अब एक भी शिकायत आ गई, कुछ भी मतलब बात आ गई, चाहे वीडियो में भी आ गई या फिर वैसे भी कुछ बात हुई कि मतलब पड़ोस में से भी किसी ने बोल दिया कोई बात हुई है, तो मैं फिर ले जाऊंगा, फिर मैं नहीं सुनूंगा, मतलब कोई बात हुई ये लास्ट है, लास्ट चांस है। ये बात बोला है कि अब कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब तो ठीक है, मतलब ये एक तरीके से आखिरी, वही चीज मैंने भी वीडियो में बोली थी, मैंने भी यही बोला था कल वीडियो में कि एक बार आखिरी बार बस देख लेते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर्स ने भी बोला है इनको कि इनको शांत रहना है। प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई, प्रॉब्लम यही हो रही थी कि इनको एकदम से गुस्सा आना, मेरी मदर का एग्रेसिव होना बार बार, वो भी हाइपर, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, वो भी क्यों, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहना और उसके बाद एकदम से हाइपर होके गुस्सा आना, मैं अब वो चीज का क्या सोल्यूशन है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि क्या कर रहे हो, तो मतलब नॉर्मली आप, अगर आपका माइंड शांत है तो आप बोल दोगे कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, कुछ भी। बट अगर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है तो आप गुस्से में ही जवाब दोगे। तो जैसे मेरी मम्मी का भी ऐसा रहता था, वो बोल देते थे कि कुछ भी करूं मैं, तेरे को क्या मतलब है, इस तरीके से जवाब। अच्छा खाना खा लिया मम्मा, नॉर्मली अगर आपका माइंड शांत है तो आप ऐसे बोलोगे ना कि खाया नहीं खाया, हाँ मैंने खा लिया, खाऊं ना खाऊं तुझे क्या मतलब इस तरीके से बोलना, हर एक जवाब इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से। तो
वो चीजें क्या होती है ना, और एकदम से गुस्सा आना। और फिर अगर मान लो मेरे साथ, मतलब घर में प्रॉब्लम क्या हो रही है मेन, कि अभी तक पिछले 2 ढाई महीने से, कि देखो अब बेटों से डरते हैं, बेटियों से डरते नहीं है। अब मेरा पॉइंट यही था कि देखो मम्मी 3 4 दिन पुरानी पुरानी चीजें खा रहे हैं, अगर आप लोग कहते हो कि वो फेंक दिया करो ताकि मम्मी ना खाए, अगर मैं उन चीजों को फेंक देती हूँ बाहर, तो मम्मी मेरे ऊपर एग्रेसिव होके बहुत कुछ मुझे बोल देते, बहुत कुछ। मतलब बहुत सी चीजें हुई थी पिछले 2 3 महीने में, मैंने देखी। मैंने एक बार मम्मी की पुरानी चीजें फेंक दी थी कि हॉस्पिटल से आएंगी, ताजा खाना बनाऊंगी, ताजा खाएंगी। इन्होंने मुझे गालियां तक दे दी थी उस टाइम, सिर्फ इस बात पे कि इनके इतने 20 25 दिन पुरानी चीज मैंने क्यों फेंक दी फ्रिज में से। सोच के देखो, उस चीज पे इन्होंने गाली दे दी, मैं इतना गुस्सा। ठीक है, अभी वही प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी और मम्मी के बीच में। क्या दिक्कत होती है कि हम सोचते हैं कि देखो मम्मी के लिए ये चीज ठीक नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि मम्मी ये चीज ना करे। जैसे अब मम्मी के लिए अगर ये पुरानी है, परसों की सब्जी है, बनी हुई है, बासी हो गई है, अब पेशेंट को तो ताजा खाना खाना चाहिए ना, मैं फेंक दूँ, फेंक दूँ तो फिर मेरे को उल्टा सीधा बोलती हैं, एग्रेसिव हो जाती हैं। मतलब अगर इनके हिसाब से चलने दूँ चीजें कि हाँ बासी खाना ये खाती रहे, पुराना खाना खाती रहे, चीजें इनके अकॉर्डिंग चल रही हैं तो ठीक है, सब ठीक है, फिर कुछ नहीं बात है। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि देखो आज तक हमने छोड़ रखा था, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। मेरे इस घर की हालत आपको पता है क्या हो रखी थी पिछले 1.5 साल से, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो पड़ा है रहने दे, लेकिन जब मैंने साफ सफाई कर दी, सोचा घर को साफ रखूंगी, तो मेरे को कितना कुछ सुनने को मिल गया था, क्योंकि इनका सामान मैंने ऊपर कर दिया, फेंक दिया था। रुको, नहीं ऐसी कुछ आवाज आ रही थी ऐसा मुझे लगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, मतलब अब इनका सॉल्यूशन क्या है, अब वो चीज़ मतलब हम अब वहां पे भी क्या है कि वहां तो चलो बेटों के साथ क्या होता है, बेटे सख्ती बरत देते हैं, बेटों से डरते हैं। अब वहां पे अगर वो बोलेगा कि नहीं करना ये काम, तो शायद वो ना करे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं भी वही वही चीज बोल रही हूँ कि ये काम नहीं करना, तो वो मुझे मतलब आप समझो। तो इस चीज के ऊपर ना मम्मी ये बोला है कि ना अब से थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दो, कि गुस्सा नहीं करना। ठीक है, बस वही चीजें हैं, बस मैंने भी यही चीज सोची थी कि एक बार देख लेते हैं। बाकी अब मैं भी कोशिश करूंगी कि ना देखो देखो अब मेरे बस में साफ बोलूंगी, देखो आप लोग कह देते हो कि पुराना मम्मी को ना खाने दिया करो, फेंक दिया करो, देखो मेरे लिए मेरा मेंटल पीस भी जरूरी है, और उनकी हेल्थ, दोनों में से अब मैं किसको चुनूं। अगर मैं उनकी हेल्थ चुनती हूँ और उनसे ऊपर होके वो सामान फेंक देती हूँ, बाहर फेंकती हूँ, फ्रिज का जो भी ऐसा सामान होता है बासी कई कई दिन पुराना, तो वो मेरे साथ लड़ेंगी, वो मेरे को उल्टा सीधा बोलेंगी, जिनसे मेरा मेंटल पीस खराब होता है, मैं टेंशन में जाती हूँ। ठीक है, और मेरी तबीयत खराब होती है, सोचो अब उससे मेरा ही नुकसान हो रहा है, मेरी हेल्थ खराब होती है, मेरा मेंटल पीस खराब होता है, मैं टेंशन डिप्रेशन में जाती हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे कुछ, मुझे पता है वो मैं करूंगी ये काम, वो मुझे बोलेंगी। तो इसका तो सोल्यूशन यही है कि मैं ना फेंकू उनका सामान, पुराना खाने पीने का जो सामान है वो जैसा खा रही है उनको खाने दू। यहाँ पे रहने का तो बस भाई इस चीज का तो यही सोल्यूशन निकल सकता है कि वो जो कर रही है उनको करने दू। मतलब प्रॉब्लम यही है कि उनको उनके हिसाब से मतलब चीजें चलानी है। अगर हम टोका टोकी करते हैं तो फिर हम गाली खाएंगे, उसे बढ़िया हम टोका टोकी ना करें किसी भी चीज में। अगर वो जैसे जो कर रहे हैं करने दें, ठीक है, उनके हिसाब से उनको चलने दो, मतलब जो उनके लिए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें अगर लगता भी है कि ये चीज उनके लिए बुरी है, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो फिर हमें कुछ सुनने को मिलेगा, उससे बढ़िया उनको जैसे जो करना है कर लेने दो। ठीक है, उसका रिजल्ट भी उन्हीं के ऊपर है। देखो अगर वो कुछ गलत खा रही है तो उससे उनका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, मेरे शरीर का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब वो चीजें फिर मेरा मेंटल पीस खराब होता है तब मेरा नुकसान है। तो इसीलिए देखो मेरा जहां फायदा होगा मैं वही चीज देखूंगी अब। ठीक है, तो मैंने ये अपना अपनी तरफ से मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, मम्मी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि आप ये चीज खाओ, ये चीज मत खाओ, ऐसा खाओ, वो उनको बना के खाने तो उनको जो खाना है खाए, ठीक है, उनको जो भी करना है करें, अब उनका कॉन्सिक्वेंसेस वही भुगत रही है। अगर वो नहीं बात मानती तो एडमिट वही हो रही है, मैं तो नहीं हो रही एडमिट, हॉस्पिटल में वही बैठी हैं, सुइयां वही लगवा रही हैं, दवाइयां, अब पहले 4 दवाई खाती थी, सुबह की 2 शाम की 2, अब इनकी 14 दवाइयां हो गई है, डॉक्टर ने 14 दवाइयां लिख दी है, इसमें से शुगर, बीपी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, पता नहीं क्या क्या लिख दिए हैं। तो अब वो खाएंगी, अब उनको खुद को देखना पड़ेगा ना। देखो अब अगर इंसान खुद अपना भला ना करना करना चाहता हो तो कोई और उनका भला नहीं कर सकता है।
तो इसीलिए ना अब मैंने भी यही फैसला लिया है। देखो हम सब ने मिलके समझ, एक चीज जो समझ में आई है मेरे को कि मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी मम्मी को, ठीक है, मैं उनका कुछ भी नहीं फेंकूंगी, चाहे वो 25 दिन पुराना हो चाहे 30 दिन पुराना हो। अगर मुझे लगेगा कि मेरे कमरे मेरी रसोई में वो चीजें अच्छी नहीं है, मेरे को नहीं रखनी है, मैं ऊपर वाली रसोई में रख दूंगी। ऊपर वाली रसोई में भी नहीं रखी तो बाहर रख दूंगी, पर घर से बाहर रख दी, ठीक है, या जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन बस यही है कि मैं अपने आप अपना मेंटल भी सब खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे को मेरा बच्चा भी संभालना है, ठीक है, और मुझे अपनी चीजें देखनी है। अब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी है, जो कि अब मुझे उसको उस पर ध्यान देना है, कि मैंने सोचा है कि हर हफ्ते मैं 1 किलो वजन कम करूंगी, तो वो कैसे होएगा कम, एक हर हफ्ते 1 किलो कम, तो मुझे उस पर ध्यान देना है। अब मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अब उनके लिए देखो हम कह सकते हैं कि हाँ आराम कर लो, ऐसे कर लो, ये चीज मत करो, आपको इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अब उनको नहीं माननी बात तो अब उसमें उन्हीं का लॉस है। देखो मैंने बहुत बोला इनको, 12 गिलास पानी पीना कितना मुश्किल काम है, पी लो भाई, अगर जब आपको पता है आप हर महीने एडमिट हो रहे हो इन्फेक्शन की वजह से, नहीं पीते, फिर भी नहीं पी रहे, तो अब उसमें इनका ही नुकसान है, हमारा तो नहीं है ना। कर लो भाई अपनी मन की, अगर करनी है तो क्या कर सकते हैं हम इस चीज में। तो मैंने भी अब इसीलिए फैसला डिसीजन लिया है कि देखो अगर साथ में रहना है तो मतलब झगड़ा झुगड़ा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार से ही रहेंगे, प्यार से तभी रहेंगे कि बस। उन्होंने भी यही बोला कि ना वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगी, मैं उनको कुछ ना कहूँ, बस ये चीज है। और अभी भी देखते हैं देखो चीजें अब किस तरीके से जाती है आगे के लिए। देखो पिछले 2.5 महीने में मैं बहुत रोई हूँ, आपको ही पता है, वीडियोस बना बना के एकदम इतना कुछ चीजें देख ली हैं। तो अभी के लिए मैंने बस ये सोचा है, उम्मीद करी है कि बस मैं अपना शांत रहूंगी। सुबह उठी, सुबह उठते ही अपने कामों में लगी, अपना हेडफोन लगाया, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और अपने गाने वाने सुने, अपना घर का काम, बस अपने कामों पे ध्यान देना है, अपने अपने से रहना है, अपनी जिम जानी है, अपना बच्चा, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को देखना है मुझे, तो बस उसके लिए जो अच्छा है मैं वो करूंगी, और मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी बस अब, ठीक है, बस वो अपने में, मैं अपने में रहूंगी बस। और जितना हो सके ना कोई भी बात, क्योंकि पता है देखो अगर आप कुछ बोल रहे हो, देखो अगर मैं नॉर्मली मेरी मदर से अगर मैं पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हो, और जवाब बदले में इस तरीके का जवाब सुनने को मिले कि चूड़ियाँ पहन रही हूँ, विधवानी हूँ, सुहागन हूँ, ऐसी इस तरीके की बातें अगर कोई बोल रहा है सामने वाला बंदा, तो कोई भी हो आपको पीछे हट जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा कम बोलो बस। मेरे को मैं जितना हो सके मैं भी कोशिश करूंगी कि हमारी आपस में कम बातचीत हो, ठीक है, नॉर्मली भी बस कम ही बोलो, जैसे आप नॉर्मली पूछ लेते हो ना क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो भी क्वेश्चन थोड़े कम ही करो बस। अपना बच्चे के साथ खेल ली, ठीक है, अगर उन्होंने मेरे से बात करी बस उसका नॉर्मली थोड़ा जवाब दे दिया बस। तो जितना हो सके ना आपस में थोड़ा सा मेंटली दूरियां बना लूं, कि अगर मतलब जिससे चीजें ठीक हो सकती हो, अगर रहना साथ में है तो कम से कम क्लैशेस ना हो इस तरीके के। तो कोशिश करूंगी मैं अपनी तरफ से अब, क्योंकि देखो मुझे, देखो संदीप महेश्वरी सर भी यही कहते हैं कि देखो आप कि लाइफ में कोई भी हो जो जिसका जो जिसकी वजह से आपका लाइफ का पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, कि आप अपना पीस ऑफ माइंड क्यों खराब होने दे रहे हो। आपको कहीं ना कहीं मेंटली या फिजिकली दूरी बना के रखनी पड़ती है। फिजिकली दूरी हर हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप बना सको। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, आपका बॉस ही आपका पीस खराब कर रहा हो माइंड का, तो आप नौकरी तो नहीं छोड़ छोड़ के भाग सकते ना, कि हमेशा नौकरी छोड़ोगे। आपको कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को इस तरीके से तैयार करना पड़ता है ऐसे सिचुएशंस में, कि सामने वाला अगर आपको कुछ बोल भी दे तो आपको उस हद तक मतलब अपने आप पे हावी नहीं होने देना। तो वही चीज अब मेरे साथ है। अब मुझे पता है कि ना मेरे को अपना बस मेंटल पीस बचा के रखना है, बना के रखना है, तो मैं और चीजों पे ज्यादा ध्यान दूंगी, अपने कामों पे ध्यान दूंगी, और जितना हो सके बस मतलब कोशिश मेरी यही रहेगी कि बस चीजें आगे के लिए सही जाएं। बाकी उसने भी बोला है कि अगर अब चीजें खराब गई, कुछ भी इस तरीके का हुआ, तो फिर वो फाइनल सॉल्यूशन तो यही है, फिर देखो एक बार ये लास्ट करके देख लेते हैं कि चीजें, मे भी हो सकता हो 1 महीना देके देख लेते हैं कि 1 महीना भी अगर चीजें ठीक रहती हैं, महीना आराम से सब कुछ ठीक रहता है तो ठीक है। मतलब वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वही बात है ना कि मैं बार बार लाइव आके रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, मैं भी वीडियो बना के बोल रही हूँ कि मम्मी ने आज ये बोल दिया वो बोल दिया, मैं दुखी हूँ हर्ट हूँ, वो चीजें किसी के लिए भी ठीक नहीं है फिर, है ना, घर का माहौल खराब होता है उन चीजों से। तो इसीलिए वो अपने में रहे, मैं अपने में रहूं, बस अपना अपना रख देखें वो ज्यादा ठीक है, ताकि थोड़ा सा बस इतना ही होना चाहिए, तो बस यही सोल्यूशन है। और अगर आगे भी चीजें ऐसी खराब होती है, 1 महीना देख लेते हैं पूरा, 1 महीने में अगर लगता है कि दोबारा वही चीजें हो रही हैं, फिर से वही वीडियोस बन रही है, लाइव हो रही है, या मैं रो रही हूँ फिर से परेशान हो रही हूँ, तो फिर फाइनल सोल्यूशन यही है कि वो फिर ले जाएगा मम्मी को, फिर वो मम्मी पापा फिर गुड़गांव में ही रहेंगे। बस ये है कि अभी देख लेते हैं एक बार,
एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।